वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, ऐसा दावा है हिंदू पक्ष का। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि उसे 32 ऐसे अहम साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। दीवारों पर देवताओं के निशान, ज्ञानवापी में मौजूद है भगवान। एएसआई की रिपोर्ट में सबूत काफी, मस्जिद नहीं मंदिर है ज्ञानवापी। एएसआई रिपोर्ट से मिले 32 सबूतों के बाद हिंदू पक्ष ने अपने दावे को सही ठहराना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों ने साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी पर 839 पेज की एसआई सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। एसआई ने जब ये फाइंडिंग दी है तो एसआई ने कहा है कि 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे मंदिर के मटेरियल से इस तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में एसआई ने कहा है कि हिंदू मंदिर के जो पिलर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ जो वेस्टर्न वॉल है एसआई ने कहा है कि वेस्टर्न वॉल एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का ही पार्ट है। तो ये सारी बातें एसआई ने अपने कंक्लूजन में कही हैं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब के आदेश पर मंदिर गिराया गया, एक टूटे पत्थर पर मस्जिद निर्माण की तारीख लिखी गई है, फारसी भाषा में मंदिर तोड़ने का आदेश लिखा है। एएसआई रिपोर्ट आने और हिंदू पक्ष के दावे के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भड़क गए। एसटी हसन ने कहा कि आजकल कुछ भी मुमकिन है। सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालत ने जो फैसला करी उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है, आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। वही रिपोर्ट सामने आने के बाद वाराणसी में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। उधर हिंदू पक्ष एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने दावे को मजबूत मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।